अच्छा सरकार, वीडियोस पर तबसरे के हवाले से, एक वीडियो पर मैं तुम्हारे तबसरे का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। व्हाई नॉट कल हमारे चैनल पे भी वो वीडियो चलती रही है, मोहतरम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब का सस्ते बाजार का दौरा है शेखुपुरा, वो देखा है आपने, जहां पर वो हेलीकॉप्टर पर तशरीफ लेके गए, हेलीकॉप्टर पे, अच्छा, और कमोबेश 24 गाड़ियों का काफिला उनके हमराह है और वो वहां पे सस्ता बाजार देख रहे हैं। जरा देखो तो दिखाओ जरा। हाँ तो सस्ता सा हेलीकॉप्टर है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। सस्ता सा हेलीकॉप्टर है जी। अच्छा जी, ये देखो, गिनती करनी है तो कर लो। एक टाइम लगेगा, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तीन, ये बीच में किसी और की गाड़ी है, और भी है, सपोर्टर्स भी साथ ही है पीछे। 4, 5, 6, 7 यार, बीच में लोग हमें लैंड में रल भी जाते हैं, सारी गाड़ियां उनकी नहीं है। अच्छा हाँ, वो बीच में रल जाते हैं लोग ना। फिर देखो एम्बुलेंस साथ है माशाल्लाह, तो ये भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज जरूरी है, ये भी पुलिस जरूरी है, सारी पुलिस स्क्वाड जरूरी है। और ये भी जहन में रहे कि हमजा साहब के पास कोई वजारत नहीं है अभी। अच्छा जी, हाँ जी, शाबाश, हेलीकॉप्टर से उतर के आम लगा लिए। ये शेखुपुरा के उस सस्ते बाजार के आम चेक कर रहे हैं। हेलो, इतना खर्चा करके उधर जाके आम चेक कर रहे हैं। लिंक रोड से पुलवान को कहते वो दो पेटियां डिग्गी में रखता, कर जाके दो पेटियां आराम से पोले करके टेस्ट कर। या आम अगर लंगड़े ना होते तो आमों से रिक्वेस्ट करते कि वो अपनी आके लाहौर चेकिंग करवा ले। यानी लंगड़ा ना हो आम तो फिर वो चल लेता है। जरा सीरियसली देखो ना कि ऐसी फुटेजेस जब आवाम देखते हैं तो नून लीग के वो सारे दावे, वो सादगी के, कफायत शारी के, वजीर आजम हाउस के अखराजात कम करना, फलां चीज खत्म कर देना, वो सारे दावे कहाँ चले जाते हैं? आवाम कोई अंधी बैरी गूंगी तो नहीं है यार? यार ये बात नहीं है, इसलिए बंदे उनके साथ, हमजा शहबाज के साथ ज्यादा बंदे इसलिए फिरते हैं, वो गुआच जाता है। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ फिर भेजते हैं बंदों का ध्यान रखना। फयूल ना तुम तबसरे शुरू कर दिया करो। अच्छा चलें जी साहब, आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। दिखाएं। रेंट कार, और नीचे देखो दलतियां मारने वाली कारें खड़ी। पेट्रोल जितना महंगा हो गया हुआ, अब टोयोटा करोला की जगह खोती करोला ही चलनी। वैसे भी आप पेट्रोल के खर्चे से लोग गाड़ियां नहीं चलाते, पर खलोती करोला जो है वो खोती करोला ही हुई ना। यार तुमने ऐसे मजाक में बात डाल दी है, बिजनेस अच्छा है, सोचो तो सही जरा। तुम सोचो, तुम बिजनेसमैन आदमी हो, 6 गाड़ियां डाल लो, बाद जो पता लगे जी चोर शिटाला दिखा के इसकी गड्डी ले गए। अगली तस्वीर देखें, ये ले। वो देखो यार, रेलगाड़ी में जो डाइनिंग कार के बहरे होते हैं ना, वो खाना ट्रे में सजा के, तो देखो चलती गाड़ी में बारो बार खाने वाली ट्रे हाथ में पकड़ के डब्बा बदल रहे हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, इतनी रिस्की सर्विंग खाने की कहीं और नहीं हो सकती, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही खासा है। वैसे ये तस्वीर उन लोगों को दिखाओ जो कुर्सियों पर बैठे होते हैं और जाते जाते आराम से गवर्नमेंट के गले से करोड़ों रुपए लेके निकल जाते हैं। जाते जाते भी और आते आते भी। ये दिखाओ उन लोगों को, ये रहा कि पाकिस्तान का गरीब आदमी बेचारा किस तरह रोजी कमा रहा है। रोटी तो भर तौर कमा खाए मच्छंदर। हाय, इसका नाम मच्छंदर है। हमारे पिंड में वैसे था एक चौधरी मच्छंदर। अब आपको वीडियो दिखाती हूँ, ये देखें। गुस्से में है, गालियां निकाल रहा है। पहले किस लिए आकड़ रहे थे, तुम्हें नहीं पता उसके 12-13 बच्चे हैं, सारे कठे हो गए आगे, उन्होंने छित्रो छित्री तुम्हें कर देना नाम मुराद फीना। अजीज साहब आपने उसकी आवाज सुनी है? नाकी उसका सीटी जैसा है तो आवाज ब्रीक ही निकल रही। ये ले जी साहब, ये एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखें। ये क्या है जी? अजीज साहब, ये बंदे ने स्पीकर जो है वो कमर पे बांधा हुआ है और माइक हाथ में पकड़ा हुआ है और वो अनाउंसमेंट करता हुआ जा रहा है। वाह वाह वाह, मेरा ख्याल है ये श्रीलंका की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हेड है। श्रीलंका। इधर भी जब परवेज मुशर्रफ साहब बाहर आ गए ना,
तो उन्होंने इसी तरह कमर पे स्पीकर बांध के माइक हाथ में पकड़ के तो ऐलान करना है गलियों में, आ जाओ बाहर निकल आओ मैं आ गया हूँ, आओ फिर से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग खोले खोले क्या मतलब यार, जैसे बंदा शहर से बाहर गया हो तो वापस आके 15-20 दिन बाद अपने बेटों को नहीं कहता चलो उठो चल के दुकान खोले। इसी तरह मुशर्रफ साहब भी जब बाहर आ गए ना, उन्होंने फिर राशिद कुरैशी के दरवाजे के आगे जाके स्पीकर लगा के कहना राशिद आ जा यार दुकान खोले। अब एक और तस्वीर देखे अजीज साहब, ये ले हेलो। उसके मुंह में फीडर लगा के फीडर के पीछे अपनी ठोड़ी रख के तो गेम खेल रहा है। यानी बच्चे को फीडर भी पिलाना है। हाँ। बेगम ने ड्यूटी लगाई हुई यार गेम भी खेलनी है। बिल्कुल। फिर बाद में ये बुजुर्ग कहते हैं जी कि बच्चे सारा दिन गेमों का पीछा नहीं छोड़ते, भाई जो वालदेन करते हैं वही बच्चों ने करना है। एग्जैक्टली। अब ये बीमारी पेरेंट्स में भी आ गई हुई। अच्छा, वैसे मैं तो हैरान हूँ बाप ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी नहीं, ऐसे ही होते हैं। अब इसको कभी तुम घर में देख लो, और रायत शायद बेचारे कलप रहे होते हैं कि बाबा जाने दे अब एक बारी हमें भी लगाने दे। चले जी साहब अब जल्दी से एक वीडियो पर तबसरा करते हैं, ये देखें आग लगी हुई है, इसमें कौन सी तबसरे वाली बात देखें तो। अंग्रेज एंजॉय कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल से आग पे से छलांग लगाएगा। यार ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया इस गोरे ने, है ना? कितनी पावरफुल हवा आती है मोटरसाइकिल के सिलेंसर से। यहाँ पे लोड शेडिंग का मैंने अब यही किया करना है। क्या शेड में बच्चे लटा के साइड पे स्कूटर स्टार्ट करके रेसें दिया करूंगा। बच्चों का वहां पहुंचेगी, सो जाएंगे आराम से, बच्चे सो जाएंगे, हर पर जाए तुम्हारी डोई लेके मुझे कुटा करेगी। उतरे घूं घूं लाई तो नींद कि लेकिन अजीज साहब उसकी बाइक तो देखिए वो हैवी बाइक है, आपका स्कूटर है बेचारा। चलो उसकी हैवी बाइक है तो मैं भी अपना स्कूटर हैवी कर लूंगा, उसकी डिगी में ईंटे रख लूंगा। स्कूटर दुनिया में लेना, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।